राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़नगर में पंचायत सचिव व ग्रामीण आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का पंचायत सचिव पर आरोप है। पंचायत सचिव द्वारा शासकीय कार्यों के लिए ग्रामीणों को परेशान किया जाता है और समय पर पंचायत कार्यालय नहीं पहुँचते और राशन पर्ची और भवन कर रसीद पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए पैसे लेने का आरोप लगाया। मामले में पंचायत के सरपंच से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मामले की जानकारी मुझे मिली है और ग्रामीणों को बुलाकर पंचायत सचिव से बात करूंगा। वहीं भवन कर राशि के मामले में कहा कि वह शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो भी लगता है वह ऑनलाइन शासन के खाते में जाता है। पंचायत सचिव पर रिश्वत के मामले में स्वयं देखूंगा और अगर दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई भी कराएंगे। साबुद्दीन, यही रहता हूँ। मेरी गुड़िया का नाम जुड़ना था एक आईडी में, सामग्री आईडी में, आईडी में जोड़ दिया, सामग्री आईडी में नहीं जोड़ रहे। चार बार कागज दे चुका हूँ, उसके बाद भी कागज के ना है ही नहीं, कागज घुमा दिए, फिर कागज दूं मंत्री जी को, राजकुमार, और कहना साइट चलेगी जब जोड़ दूंगा, साइट चलेगी जब जोड़ दूंगा, जोड़ना है ही नहीं। छह महीने होगा मेरे को उलझते उलझते, एक नाम नहीं जोड़ पा रहे हो। मांगिया था, मैं दिया नहीं मांगिया था। आपका क्या नाम है? मेरा रामेश्वर। ग्राम पंचायत कौन सी? बड़नगरी जी। क्या मामला, किसके लिए 2000 मांगी? लाडली योजना के फार्म के लिए। किसने मांगी? मंत्री जी ने। लाडली योजना फार्म आवेदन करने के लिए? हाँ, आवेदन भी कर दिया, ट्रैक्टर के बोला वो भी कर दिया, जब भी नहीं करे मेरा फार्म, आज भी घर रखे मेरा फार्म। 2000 रुपये ना, मैं करूँ कहाँ से करूँ? नहीं दिए, नहीं तो खाद दे दी, मांग की थी उन्होंने, मांग की थी, हाँ रिजल्ट आज भी रखे घर फार्म, या पैसा नहीं दे कहाँ से कर। जी सर, मेरा नाम रवि मीना है। कौन सी ग्राम पंचायत में? बड़नगर ग्राम पंचायत। मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने मंत्री जी से भवंतर रसीद मांगी तो उन्होंने मेरे से फोन लगा के बोला कि एक काम करो, तुम मेरे कमरे पे आ जाओ। मैं वहां गया तो वहां भी उन्होंने, वहां भी नहीं मिल पाए वो एक रोज, फिर बुलाया फिर भी नहीं मिल पाए, फिर एक दिन फिर बुलाया तो फिर मिले, तो कि यार ये आगे से आदेश है और ये हम बना के नहीं देते पर तुम्हारी जुगाड़ तुगाड़ कर देंगे, इसमें खर्चा आएगा 13000 रुपया का। तो मैंने की इसमें क्या खर्चा आएगा कि भवंतर रसीद कटेगी 3000 की तुम्हारे और 10000 रुपये लेटर भेज के लगेंगे। राजकुमार मीणा। मैंने लेटर भेज के 10000 रुपये मंत्री जी को वहां दिए और 3000 की रसीद कटे, मेरे पास रसीद भी है, भवंतर रसीद भी 3000 की, 1000 उसके लगेंगे, राशन पर्ची जो चल रही है ना मुख्यमंत्री जी वाली, हाँ 3000 रुपया खजाने में जाते हैं ये मेरे पास। उनने उनका व्हाट्सएप भी किया ना कि सरकारी खजाने में जाते हैं सारे पैसे ये, हाँ 3000 का नियम है और भवंतर रसीद का 3000 का नियम है। आपसे पूछता हूँ मैं, भवंतर रसीद मेरी 3100 रुपए की काटी कल और एक बंदे की और 2000 की काटी बेचारे की, उससे लेटर भेज के 10000 रुपए लिए घर पे और 10000 मेरे से लिए वहां घर पे लेटर भेज के। नमस्ते, मैं अजय सिंह मीणा, ग्राम पंचायत सरपंच बड़नगर। आपके द्वारा और कुछ ग्रामीण जनों के द्वारा ये बात सामने आई है तो संबंधित व्यक्ति से और हमारे पंचायत सचिव जी से बात करके इस मामले में सामंजस्य बिठाएंगे और जो भी चीजें हैं आपको उससे अवगत कराएंगे। देखिए, भवन कर का जो टैक्स की जो रसीद होती है वो तो जनरली टैक्स के जो शासन द्वारा निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसके अलावा अन्यथा आप बता रहे हैं कि कोई रिश्वत वाला मामला है, इस मामले पर मैं जो संबंधित व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बात करूंगा और इसकी हम हमारे स्तर पर भी जांच करेंगे ये बात सत्य है कि नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया हम इसको ये सत्य नहीं मान सकते हैं कि ये बात सही हो। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।